हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है परी एंड वेलकम बैक टू परीज किचन। आज बनाएंगे हम चिकन बिरयानी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। स्लाइस्ड 6 से 7 अनियंस, 3 से 4 मिर्चें स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, अदरक लहसुन पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक, 1 कप दही, पुदीने के कुछ पत्ते और कोरिएंडर जिसे मैंने अच्छे से धोकर कट करके रख लिया है। ये होममेड बिरयानी मसाला, नींबू के स्लाइसेस, ज़ीरा और कम से कम 15 से 17 लौंग। ये राइस है जो मैंने 700 ग्राम लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से 2-4 बार धो के भिगो लिया है। चिकन 1 kg, ऑयल। हम सबसे पहले गर्म करेंगे पानी जिसमें हम राइस बॉईल करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी सारी लौंग, सारा जीरा, और स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून या टीस्पून ऑफ नमक डाला है। हमें इसे हाई फ्लेम पर ढक के पकाना है। हम इसे ढक के रख देंगे जब तक पानी अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। मीनवाइल एक दूसरे फ्राइंग पैन में हम गरम होते ही ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें इसमें बरिस्ता बनाना है, तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में हम डाल देंगे हमारे 7 से 8 स्लाइस्ड अनियंस, जिसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर बनाना है। सबसे ज़्यादा टाइम बिरयानी में सिर्फ और सिर्फ इसी में लगेगा, बाकी सब हो जाएगा। ये बरिस्ता में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसे अपने ही टाइम पे होने दीजिए। डू नॉट हरी। अगर आप बहुत ज़्यादा हरी करेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा और पूरी तरह जल जाएगा, तो वो मत कीजिए। लेट इट टेक इट्स टाइम। इस तरफ हमारा पानी पूरी तरह बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे भिगोए हुए 700 ग्राम बिरयानी होल ग्रेन राइस। लंबे लंबे जो बिरयानी राइस होते हैं, आई थिंक ये इंडिया गेट राइस है जो मैंने लिए हैं। इसे बाय द क्लॉक 6 मिनट्स तक हमें बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं, एंड देन इट्स रेडी। हम इसे अच्छी तरह ड्रेन करके प्लेट्स में सजा देंगे ताकि वो मॉइस्ट निकल जाए। मीनवाइल हम देख रहे हैं हमारे प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। एक टिश्यू में मैंने इसे निकाल दिया है सो दैट वो क्रिस्प हो जाए जल्दी से। 3/4 ऑफ अनियंस मैंने निकाल लिए हैं। बाकी बचे में हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन जो हमने सिर्फ धोया हुआ है। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है और 700 ग्राम राइस। तो हम सारा हमारा चिकन ऐड कर देंगे। कोई मैरिनेशन कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ अच्छे से क्लीन करके हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को इसमें अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनने देंगे धीमी आंच पर। देख सकते हैं चिकन का कलर बदल गया है, भुन चुका है अच्छे से। हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा अराउंड 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हल्दी और अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ मिर्ची पाउडर। आप देख सकते हैं कलर पूरी तरह चेंज हो चुका है चिकन का। इसे अच्छे से हमें मीडियम आंच पर पकाना है, चिकन को अच्छे से पका लेना है इसी स्टेज पर। द कलर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। दैट्स इट। अभी सिर्फ लेयरिंग बाकी है। मैंने एक तवा लिया है जिसपे मैंने तवा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है, और इस पतीले में, मेरे पास थोड़ा बड़ा पतीला नहीं था इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा पतीला हो तो प्लीज़ वो लीजिए। ऐड करेंगे फर्स्ट लेयर ऑफ चिकन।
अच्छे से चिकन को फैला देंगे चारों तरफ। चिकन अच्छे से फैलाने के बाद ऐड करेंगे 1 लेयर ऑफ राइस। आप चाहे तो स्पून से ऐड कर लीजिएगा, मैंने हाथ बहुत अच्छी तरह धोए हैं तो मैं हाथों से ही ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं राइस हमारे अच्छी तरह अलग अलग है बिल्कुल, क्योंकि ये 80% कुक्ड है, ये 100% कुक्ड नहीं है, ये अब कुक होंगे 100%। ये लेयरिंग के बाद अच्छी तरह हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा 1 टेबलस्पून ऑफ बिरयानी मसाला। पूरी तरह से उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऐड करेंगे अब 2nd लेयर ऑफ चिकन। सेकेंड लेयर ऑफ राइस ऐड कर देंगे। सारे राइस हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर से वही प्रोसेस, ऐड करेंगे हमारा 1 टेबलस्पून ऑफ बिरयानी मसाला, क्योंकि ये लास्ट लेयर है, इसमें हम हमारी बाकी सब गार्निशिंग भी कर देंगे। बचा हुआ जो हमने 3/4 बरिस्ता निकाल लिया था वो बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है ठंडा होके, वो हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे हमारी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। जो हमने नींबू स्लाइस किया था वो ऐड करेंगे। याद रखें ज़्यादा नींबू ना डालें, फर्स्ट लेयर में ना ऐड करें, अदरवाइज बिरयानी आपकी कड़वी हो जाएगी। तो आधा नींबू मैंने रस डाला है और आधा स्लाइस करके उसको डाल रख दिया है ऊपर, उससे वो टेस्ट आएगा और कड़वापन नहीं आएगा। कोरिएंडर डाल देंगे हमारा, पुदीने पत्ते डाल देंगे, आप चाहें केवड़ा ऐड कर सकते हैं, मुझे वो स्मेल नहीं अच्छी लगती केवड़ा की, इसलिए मैंने यही रखा है। और इसे ढक के 30 मिनट्स तक पकाएंगे। इसके ऊपर हैवी वेसल रखा था मैंने, कुछ लोग आटा से कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही होता है। तो मैंने हैवी वेसल रख दिया था पानी भर के। दैट्स इट, बिरयानी इज रेडी, एंजॉय द बिरयानी। प्लीज़ बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड ऑल्सो प्लीज़